से मैं स्पेनिश सीखता था अपने कोर्स के लिए और कोरस्पॉन्डिंग ये इंग्लिश सीखती थी, तो हमारी दोस्ती बढ़ने लगी, हमारे बीच फ्रेंडशिप होने लगी, फाउंडेशन बढ़ने लगी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना इंडिया चलते हैं घूमने के लिए, कल्चर देखने के लिए। अब मैंने फैमिली को बता ही दिया था कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी। हमने 17 फरवरी को अप्लाई किया शादी के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें 30 दिन का नोटिस रहता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है या कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। तो इसी के चलते 18 मार्च को हमारा एक महीना पूरा होने वाला था, बट 19 मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हम शादी नहीं कर पाए। तो अभी कल की बात है, हमने एप्लीकेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू के लिए डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी कि प्लीज़ टेक सुटेबल एक्शन फॉर अस। तो उन्होंने अपना टाइम देते हुए हमें हमारी शादी करवाई। आई एम सो हैप्पी बाई दैट, सो एक्साइटेड, तो माई फैमिली इज ऑल्सो वेरी हैप्पी इन मेक्सिको।